टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9C. सम पॉइंट फर्स्ट आई एम टीचिंग सम पॉइंट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज 9C. सिंपल इंटरेस्ट. सम पॉइंट्स रिगार्डिंग सिंपल इंटरेस्ट. फर्स्ट पॉइंट इज द पर्सन हु बोरोज मनी इज कॉल्ड द बोरोअर. अब आपको इसको समझना पड़ेगा. कोई भी पर्सन किसी से जो भी मनी उधार लेता है, बोरो करता है, दैट इज कॉल्ड बोरोअर. वो जो पर्सन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोरोअर. मतलब कोई भी पर्सन किसी भी जिस किसी अन्य पर्सन से या अदर पर्सन से कोई मनी बोरो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोरोअर. द पर्सन हु बोरोज मनी इज कॉल्ड द बोरोअर. सेकेंड पॉइंट, द फर्म और पर्सन हु लेंड्स मनी इज कॉल्ड द लेंडर. जो मनी वो देता है किसी को, या कोई फर्म देती है, या कोई बैंक देता है. बैंक भी देखो लोन देता है ना बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड लेंडर. क्या बोलते हैं उसको? लैंडर. नंबर थ्री, द मनी टेकन बाय द बोरोअर फ्रॉम द लैंडर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. जितनी मनी भी कितनी भी कोई बोरोअर जो लेता है किससे? लैंडर से. फ्रॉम द लैंडर इज कॉल्ड प्रिंसिपल. सपोज मोहन बोरोज 20,000 फ्रॉम अ बैंक, तो 20,000 इज प्रिंसिपल, बैंक इज लैंडर एंड मोहन इज बोरोअर. क्लियर एवरीवन? अब बच्चों एक बात मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी जो मनी देता या लेता है जब तक उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है तब तक वो कोई भी उधार जल्दी से नहीं देता है. तो उसके बदले में वो क्या करता है? कुछ एक्स्ट्रा मनी लेता है. तो एक्स्ट्रा मनी को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. द एक्स्ट्रा मनी गिवन बाय द बोरोअर टू द लेंडर इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SI एंड प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेड बाय P. अब ये क्या होता है देखो फिर से समझे. सपोज मोहन ने 20,000 किसी से लिए और बदले में वो क्या करता है कि आफ्टर द 2 ईयर्स उसको 2,000 एक्स्ट्रा पे करता है. जो वो 2,000 एक्स्ट्रा पे करता है दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. अब वो तो पे करेगा ही जो उसने बोरो किया था, लेकिन वो 2,000 क्या करता है? एक्स्ट्रा पे करता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल मनी गिवन बाय द बोरोअर टू द लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट. द टोटल मनी गिवन बाय द बोरोअर टू द लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट. यानी कि मैंने बोला था 20,000 उसने बोरो किया, एक्स्ट्रा मनी कितना पे किया? 2,000. तो 20 तो वो पे करेगा ही लेंडर जो है लेंडर को, और वो 2,000 भी देगा. तो अब उसे टोटल मनी कितना पे करना पड़ेगा? 20 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 22,000. तो दैट इज कॉल्ड अमाउंट. इसका मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम आफ्टर विच द मनी इज टू बी रिटर्न इज कॉल्ड द टाइम. जितने समय में वो मनी वापिस कर दी जाएगी दैट इज कॉल्ड टाइम. द टाइम आफ्टर विच द मनी इज टू बी रिटर्न इज कॉल्ड द टाइम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, द इंटरेस्ट गिवन बाय द बोरोअर टू द लेंडर एवरी ईयर इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. जितने भी ईयरली लिया जाता है इंटरेस्ट दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल बोरोड. जितना उसने मनी बोरो किया है उस पर कितना परसेंटेज पैसा वो एक्स्ट्रा पे करेगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट.
क्लियर एवरी वन? नाउ फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हाउ वी कैन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हेयर पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल, आर इज इक्वल टू रेट, टी इज इक्वल टू टाइम। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द अमाउंट? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? अब आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, सपोज आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेट? रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिमिलरली हाउ वी कैन फाइंड द टाइम? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। देखो यहाँ पर केवल जो चीज़ हमारी यहाँ आ जाती है उसके बदले में वो यहाँ पहुँच जाती है। जैसे कि हमने रेट निकालना है तो आपने क्या लिखा? पी इंटू टी, ऊपर सेम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अब यहाँ पर टाइम निकालना है तो टाइम के प्लेस पर रेट कहाँ आ गया? यहाँ इसके प्लेस पर आ गया। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। सिमिलरली हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम इंटू रेट। ऑल द स्टूडेंट लर्न द फॉर्मूलाज प्रॉपरली। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होते हैं और आप लिख कर उसको नहीं देखते हैं तो आपको फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 9C। स्टार्ट द 9C। फर्स्ट वी स्टार्ट, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू। इट इज़ इन अ टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है ये, लेकिन हमने उसमें से फर्स्ट पार्ट ले लिया। इन ए पार्ट गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹700, आर इज इक्वल टू यानी कि रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम, ये ऊपर आपका टेबल में दिया हुआ है। टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। नाउ फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, और एक कॉलम और भी खाली है इसमें। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेकंड क्या निकालना है? अमाउंट। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इज इक्वल टू 700, पुट द वैल्यू। आर इज इक्वल टू 6, टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 100। इट इज सिंपल इंटरेस्ट। 0 2 0 कट बाय 2 0, 6 7 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों? ₹84। नाउ अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है बच्चों इसमें? 700, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 84। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? ₹784। क्लियर एवरीवन? नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पी इज गिवन, पी इज इक्वल टू 1000, टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट इज 240। क्या गिवन नहीं है? आर इज नॉट गिवन एंड ए इज नॉट गिवन। तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो आप पहले क्या निकालेंगे? अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या बताया था बच्चों? पी प्लस एस आई। पी कितना है? 1000। एस आई कितना है? 240। तो कितना हो गया हमारे पास अमाउंट? रुपीज़ 1240 इज इक्वल टू अमाउंट। क्लियर? नाउ रेट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला रेट? रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। अब आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितना है? 240 अपॉन 100। पी कितना दिया था? 1000 रुपीज़, एंड टी कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स। 20 कट बाय 20, 10 कट बाय 10, 3 8 ज़ा 24। तो बच्चों रेट कितना आ गया?
रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम। क्लियर? नाउ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन योर होमवर्क। क्लियर? एवरीवन डू द होमवर्क टाइमली।